भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने इस बात को माना है और अब देश की इकोनॉमी की रफ्तार पर एक और बड़ी ग्लोबल फर्म ने भरोसा जताया है। बुधवार को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जाहिर किया है, जो इसके पिछले अनुमान से ज्यादा है। इससे पहले भी इसी एजेंसी ने भारत के विकास दर के लिए अनुमान जारी किया था। इसमें साल 2023-24 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.4% पर बरकरार रखा गया है। एडीबी ने 2024-25 के लिए भी पहले की तरह 6.7% के विकास दर अनुमान को बनाए रखा है। इसके पहले साल 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.2% रही थी। एडीबी के मुताबिक भारत की विकास दर में तेजी की वजह मजबूत डिमांड है। भारत की ग्रोथ स्टोरी उस दौर में भी देखी गई, जब अमेरिका और यूरोप समेत पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं महंगाई के आगे घुटना टेक चुकी थी। लेकिन ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आईएमएफ की एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा है कि मिड टर्म में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी बने रहने की आशंका है। ऐसे में भारत की विकास दर को लेकर आया एडीबी का अनुमान देश की बढ़ती आर्थिक ताकत का सबूत है। जॉर्जिवा ने आर्थिक सुस्ती की धुंध के बीच भारत को चमकता सितारा करार दिया है। एडीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई दर में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा और महंगाई एक बार फिर से प्री कोविड स्तर पर पहुंच सकती है। एडीबी के मुताबिक इस साल विकासशील देशों में महंगाई दर 3.6% रह सकती है, वहीं अगले साल महंगाई दर 3.4% रहने का अनुमान है। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट 2023 में चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भी राहत भरा अनुमान जाहिर किया है। चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जो सितंबर में 4.9% से ज्यादा है। 2024 में चीन की ग्रोथ रेट धीमी होकर फिर से 4.5% पर आने की बात कही जा रही है। ग्रोथ रेट का अनुमान जाहिर करते हुए एडीबी ने दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उच्च दर्जों से वित्तीय अस्थिरता होने की संभावना भी जताई है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की प्रगति की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। अब तो देखना यह है कि कब एडीबी अपनी रिपोर्ट में ये कहेगा कि भारत शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। अब आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।